वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये ध्यान से समझना, पहले पॉइंट को समझ लें। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग। जब कोई बॉडी रोल करती है तो उसके पार्टिकल्स घूमते भी हैं और सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में भी होता है। ओके, ऐसा बोलना चाहिए मुझे। जब कोई बॉडी रोल करती है तो वो ट्रांसलेट भी करती है और प्योर रोटेशन में भी होती है। तो रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। ठीक हो गया। बॉडी की शेप कोई भी हो, मैंने रैंडम शेप बॉडी ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम डिस्क लो, स्फेयर लो, कुछ भी लो, तो मैंने ये शेप की बॉडी ले ली और इसके अंदर इमेजिन करो कि ये बॉडी रोल कर रही है। देखो रोल बोल रहा हूँ, तो ये बॉडी आगे भी जा रही है और ये बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में भी है। क्लियर है यहाँ तक? और मेरे को ये कहा गया कि पी पार्टिकल है, इसकी नेट वेलोसिटी निकालो क्या है, पी पार्टिकल की नेट वेलोसिटी वेक्टर क्या है। अब क्योंकि ये बॉडी रोल कर रही है, रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अगर एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि ये बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही होती और रोल ना करती, रोटेट करती, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाती, जीरो, और सारे के सारे पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते, घूमते रहते। तो कौन सा केस हो जाता, प्योर रोटेशन। और मैं आपसे ये पूछ लेता, अगर इस प्योर रोटेशन में वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या है, तो तुम मुझे बोल देते वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी है आर टाइम्स ओमेगा, बात होती है खत्म, इक्वल टू आर ओमेगा भाई, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो पार्टिकल घूमेंगे, घूमे ना सर्कल में तो घूमेंगे ही, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा, बात खत्म हो जाती है। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये बॉडी अब घूम तो रही है, तो आर ओमेगा तो है ही है, साथ में क्या कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, और अगर ट्रांसलेट कर रही है तो इसका हर पार्टिकल आगे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास। अब इसका मतलब इस पार्टिकल के पास कुल मिला के दो वेक्टर है वेलोसिटी के, एक बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन और एक बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो रोलिंग में नेट वेलोसिटी पार्टिकल की क्या होगी, रोलिंग में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की थी, यानी कि आर ओमेगा, वो तो थी मतलब, या सॉरी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ट्रांसलेशन मोशन, सॉरी सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशन वेलोसिटी तो है ही है, क्योंकि बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, रोटेशन का अफेक्ट क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आर ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता, वेक्टर में ओमेगा क्रॉस आर होता है। ये ध्यान से फ्लो में मत लिख देना आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा कि पी पार्टिकल की, अगर मान लो कोई बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, तो पी पॉइंट की जो वेलोसिटी वेक्टर है, वो वेलोसिटी वेक्टर ट्रांस, ये जो कंपोनेंट है ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, और ये क्या चीज है, पी पॉइंट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि रोटेशन, इसको रोटेशन मोशन लिखा जाता है, ये पी पॉइंट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, का मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पी पार्टिकल घूम रहे हैं। तो ये वेलोसिटी किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ प्योर रोटेशन, और प्योर रोटेशन का कॉम्पोनेंट क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। तो जब कोई बॉडी रोल करेगी तो उस केस में जैसे हमने किया था नेट ट्रांस, जब काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी रोलिंग में, ट्रांसलेशन की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सेम है इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या होगी, ट्रांसलेशन की वेलोसिटी प्लस रोटेशन की वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब इस बात को और इजी समझते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास ये एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन छोड़ो वैसे बता देता हूं, ये बॉडी रोल कर रही है, मुझे कैसे पता है, डायग्राम देखे रोल कर रही है, नहीं वो तो घूम रही है, तो रोटेशन भी हो सकता है प्योर, रोल कैसे हुआ, तुम्हें कैसे पता बॉडी, क्योंकि ये वाला, हाँ क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वी, और सेंटर ऑफ मास अगर आगे चल रहा है रोल कर रही है, क्योंकि प्योर रोटेशन में सेंटर ऑफ मास कभी चलता ही नहीं है, वो तो रेस्ट पे रहता है, वही एक्सेस होता है, सही है। तो क्वेश्चन है बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ये बताओ, वो कहेगा। अब बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वेक्टर में बताओ क्या होगा, बी पॉइंट की वेलोसिटी में एक वेलोसिटी किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे, वी आई कैप, और ये कौन सा मोशन लिखा मैंने, ट्रांसलेशन। अब एक वेलोसिटी इसके पास और होगी जिसकी वैल्यू क्या है,
आर ओमेगा, उसके पीछे भी क्या है, आई कैप, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ पर टूवर्ड्स राइट, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी राइट है, ट्रांसलेशन की वेलोसिटी भी राइट है और आर ओमेगा की वेलोसिटी भी राइट है, राइट राइट मतलब आई कैप आंसर मार्क कर लेना। लेकिन अगर आपको ये पूछे सी पॉइंट, सी पॉइंट की वेलोसिटी घूमने की रोटेशनल की तो आर ओमेगा नीचे है लेकिन सेंटर ऑफ मास की वजह से कहाँ पर है राइट, तो नेट वेलोसिटी सी पॉइंट की क्या होगी, वी आई कैप बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, और रोटेशन की वजह से आर ओमेगा के पीछे माइनस जे कैप। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, वेक्टर फॉर्म में आंसर कैसे लिखना है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इज वेक्टर सम ऑफ टू वेलोसिटीज, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल डी पॉइंट है, डी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है आर ओमेगा, तो डी पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वी आई कैप, ट्रांसलेशन का तो है ही है, आर ओमेगा के पीछे क्या आएगा जे कैप। और ऐसी अगर ए पॉइंट की बात करें तो आर ओमेगा लेफ्ट की तरफ है, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वजह से आई कैप तो है ही है, आर ओमेगा के पीछे क्या आएगा माइनस आई कैप। तो आज के बाद अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए वेलोसिटी वेक्टर के, वेक्टर फॉर्म में कैसे कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि कैसे आपको इसको चेक करना है, तो रोलिंग पढ़ लेना, रोलिंग में एक वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी होगी यानी कि ड्यू टू ट्रांसलेशन होगी होगी, और एक रोटेशन की भी होगी, दोनों का वेक्टर सम लेना आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, इस बात को और क्लियरली और बेटर मैं आपको समझाता हूँ ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल से।